दोस्तों अब तक पूरी दुनिया में 39,623 मकड़ियों की प्रजातियां खोजी गई है, जिनमें से लगभग 48,000 मकड़ियां शिकार करने के लिए जाला बुनती है। मकड़ी के जालों में छोटे छोटे कीड़े आसानी से फंस जाते हैं और इन कीड़ों का उस जाल से निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कभी आपने गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि जिस जाल में दूसरे कीड़े चिपक जाते हैं उसी जाल में मकड़ी आसानी से घूमती फिरती है, लेकिन वो खुद अपने जाल में कभी नहीं फंसती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मकड़ी अपना जाला बनाती कैसे है। मकड़ी के शरीर में से जाल बनाने के लिए एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे स्पाइडर सिल्क कहते हैं, और जब ये तरल पदार्थ हवा के संपर्क में आता है तब वो धागे जैसा बन जाता है और ये पदार्थ काफी ज्यादा चिपचिपा होता है जिसमें छोटे मोटे कीड़े आसानी से चिपक जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मकड़ी अपने जाले में खुद क्यों नहीं फंसती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी अपना पूरा जाला चिपकने वाला नहीं बनाती है, वह अपने जाले का कुछ ही हिस्सा चिपकने वाला बनाती है और बाकी का हिस्सा जिसमें वो आराम से घूमती फिरती है, और मकड़ी को भी पता होता है कि कौन सा हिस्सा चिपचिपा है। इसके अलावा भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी के टांगों के ऊपर जो ज्यादा बाल होते हैं उसकी वजह से वो चिपचिपाहट से बच जाती है और आसानी से उस जाले में चल फिर सकती है। और भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी के पैर तैलीय यानी कि ऑयली होते हैं जिससे वो जाल में फंसती नहीं है और उसके ऊपर आसानी से चलती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मकड़ी के पास कोई भी ऑयली ग्रंथि नहीं होती है, जिससे कि यह बात पूरी तरीके से गलत साबित होती है। तो गाइस आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा रीजन सही है जिससे कि मकड़ी अपने जाले में नहीं फंसती है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।